हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। ये वीडियो फाइल परमिशन सीरीज का एक वीडियो है और लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि किसी एक फाइल या डायरेक्टरी की ओनर या ग्रुप ओनर और ग्रुप सेटिंग को किसी दूसरी फाइल या डायरेक्टरी में कॉपी कैसे किया जाता है। उससे पहले हमने कुछ वीडियो देखे थे जिसमें हमने किसी फाइल और डायरेक्टरी के ओनर और ग्रुप सेटिंग को चेंज किया था, ठीक है। तो जब हम किसी डायरेक्टरी की ओनर और ग्रुप सेटिंग को चेंज करते हैं तब केवल ओनर और ग्रुप सेटिंग केवल उस डायरेक्टरी की चेंज होती है। यानी अगर उस डायरेक्टरी के अंदर कोई सब डायरेक्टरी है या कोई फाइल है तो उससे उन सब डायरेक्टरीज और उन फाइल्स की ओनर और ग्रुप सेटिंग चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें क्या सीखना है कि जब हम किसी डायरेक्टरी की ओनर और ग्रुप सेटिंग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी समय उस डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी और सब फाइल्स की भी ओनर और ग्रुप सेटिंग चेंज होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें इस वीडियो में सीखना है। तो ऐसा करने के लिए आपको CHOWN कमांड के साथ में हाइफन कैपिटल R ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए, उसके बाद मैं एक डायरेक्टरी मूव कर रहा हूं CD/ATC माई सोल्यूशन, उसके अंदर ओनर, ठीक है। LS-L करके इस डायरेक्टरी कंटेंट चेक कर लीजिए। तो इसके अंदर दो सब डायरेक्टरी है DIR1 और DIR2, ठीक है, और दोनों का कंटेंट हम लिस्ट आउट कर देते हैं, दोनों डायरेक्टरीज का LS-L DIR*, ठीक है। तो डायरेक्टरी वन के अंदर एक टेक्स्ट फाइल है my.txt और एक डायरेक्टरी है ABC। उसी तरह डायरेक्टरी टू के अंदर एक टेक्स्ट फाइल है test.txt और एक डायरेक्टरी है XYZ, सब डायरेक्टरी है XYZ, ठीक है। तो फर्स्ट मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूं DIR1 के लिए, ठीक है, नॉर्मल कमांड जैसे CHOWN। इसका जो करंट ओनर है अभी, एक मिनट पहले हम चेक कर लेते हैं, जैसे डायरेक्टरी वन का करंट ओनर है रूट और ग्रुप है रूट, ठीक है, और हम इसको ओनर असाइन करें माय सॉल्यूशंस और ग्रुप असाइन करें माय ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि माय सॉल्यूशंस नाम का यूजर इसमें अवेलेबल है या नहीं। तो देख लीजिए यहां पर माय सॉल्यूशन नाम का एक यूजर अवेलेबल है यहां पर, और उसी तरह हम माय ग्रुप चेक कर लेते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं। ग्रुप पाइप ग्रेप माय ग्रुप, तो माय ग्रुप भी अवेलेबल है। अब मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, CHOWN माई सॉल्यूशंस ओनर और ग्रुप है माय ग्रुप, ये मैं इसको असाइन कर रहा हूं DIR1 को, ठीक है। एग्जिट करके हमने देख लिया। अब LS-L करके देखिए, तो यहां पर डायरेक्टरी वन की ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब चेक कर लीजिए कि डायरेक्टरी वन की जो सब डायरेक्टरी थी और जो सब फाइल थी उसके अंदर उनकी ग्रुप ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हुई या नहीं। तो चेक कर लीजिए LS-L DIR1, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, पहले भी रूट ही थी उसकी ओनर ग्रुप सेटिंग और अभी भी रूट ही है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर पहले भी रूट थी और अब भी रूट है, यानी अगर आप नॉर्मल कमांड यूज करेंगे CHOWN, ठीक है, तो ये कमांड क्या करेगा, जो जिस डायरेक्टरी की आप ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज कर रहे हैं ये उसी डायरेक्टरी की ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज करेगा। उसके अंदर अगर कोई सब डायरेक्टरी है या कोई फाइल है तो उनकी ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब अगर हमें किसी डायरेक्टरी की जब हम फाइल पर ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज कर रहे हैं तब उसी समय हम उस डायरेक्टरी के सब डायरेक्टरीज और फाइल्स की भी ग्रुप सेटिंग हमें चेंज करनी, ग्रुप सेटिंग और ओनर सेटिंग हमें चेंज करनी, तो उसके लिए आपको CHOWN कमांड के साथ में हाइफन कैपिटल R ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। यहां पर देख सकते हैं आप डायरेक्टरी टू का जो ओनर है अभी रूट है और ग्रुप है रूट, ठीक है। उसी प्रकार इसके अंदर जो सब डायरेक्टरी और सब फाइल्स है उनका भी ओनर रूट है और ग्रुप रूट है, ठीक है। अब मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूं CHOWN हाइफन कैपिटल R ऑप्शन, उसके बाद मैं ओनर इनको असाइन करूं माई सोल्यूशन और ग्रुप असाइन करूं माई ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टरी टू। तो देख लीजिए यहां पर कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है, LS-L करके देखिए,
तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी टू की ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हो गई है। ठीक है, अब हम डायरेक्टरी टू के कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टरी टू की जो सब डायरेक्टरीज थी, फाइल्स थी, उनकी भी ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप CHOWN कमांड के साथ में -R ऑप्शन यूज करके किसी डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरीज और उसकी फाइल्स की ओनर ग्रुप सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।